So, Ms. Madhu, 11.6 in an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage, slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be, calculate the value of the Planck's constant. Ms. Madhu, कुछ समझ आया नहीं है? समझा सर। मैडम ये देखिए, ये स्लोप वाला क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये जो ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ये वाला ग्राफ, हाँ सर। ये जो ग्राफ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ग्राफ बेसिकली इन शॉर्ट आपको ये कह रहा है कि मिस मधु, अगर आपके पास ये मेटल ए है तो ये मेटल, पहले तो देखिए उसके कोऑर्डिनेट स्टडी कर लीजिए, कर लीजिए. ये है आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और ये है यस, स्टॉपिंग स्टॉपिंग पॉइंट। पोटेंशियल. बात समझ आ गए मैडम? हाँ सर। जो बेसिक इक्वेशन आपके पास है फोटोइलेक्ट्रिक की, जो बेसिक इक्वेशन आपके पास है वो ये है कि आप इतना एनर्जी का फोटोन दोगे, वो इतना एनर्जी का फोटोन जो है वो क्या करेगा, पहले तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालेगा, प्लस जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो के ई मैक्स है. इस मधु समझ आया? हाँ सर, समझा। तो बेसिकली ये इक्वेशन आपको ये कह रही है कि सर ऐसा है कि अगर आपने ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला आपका इलेक्ट्रॉन निकला उसको अगर आपने रोकना है तो उसको रोकने के लिए आपको एक पोटेंशियल वी नॉट करके अप्लाई करना पड़ेगा. वी नॉट करके आपको ये जो पोटेंशियल है ये अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो ऐसा रोमियो की तरह जो इलेक्ट्रॉन निकला भागा उसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को आप रोक सकें. बेटा बात समझ आई? हाँ सर। तो इस रोमियो को रोकने के लिए आपको इतना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. अब हाँ हमारे पास पोटेंशियल को, ये क्लास 10th में हमने पहली बार किया था, पोटेंशियल और वक्र इसको रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन हमने क्लास 10th में की थी. उसकी वो जो इक्वेशन है उसकी डेफिनेशन ये थी कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. बस मतलब कुछ याद आया या नहीं आया, हाँ याद है। वो मैं अब ज़्यादा डिटेल में इस पे नहीं जा रहा क्योंकि इसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. बट ओके सर। थोड़ा सा दिमाग में रखिए और नहीं समझ आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए. बट ये क्लास 10th में भी हमने डेफिनेशन की थी कि जो डेल्टा वी है, जो पोटेंशियल है, बेसिकली ये पोटेंशियल है ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो पोटेंशियल है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूव्ड है, ये चार्ज है. बेटा समझ आया? यस सर। और याद रखिए कि हम जो जिस चार्ज की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन. तो ये इक्वेशन बन जाती है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई. भाई कुछ समझ आ रहा है या दिमाग खराब होता समझा जा सर। नहीं समझ आ रहा तो सफाई से देख लीजिए. देखिए इक्वेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये इक्वेशन, अगर आपको याद नहीं है तो चिंता मत कीजिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे तो इस पर लंबी डिस्कशन चलेगी. अभी सिर्फ ये याद रखिए कि ये जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो चार्ज है वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई बन के बन जाती है. ये यहाँ तक आप मेरे साथ हैं मधु? हाँ सर। और ये हमें किस लिए चाहिए इस चैप्टर में, वो भी अभी समझ लीजिए. वो इसलिए चाहिए मैडम कि ये है जूल, ये है वोल्ट और ये है कूलम. तो बेसिकली ये हमें वोल्ट या कूलम की दुनिया से जूल की तरफ लेके जाती है. नहीं समझ आया? हाँ समझा। और अगर आप थोड़ा सा और समझ रहे हैं तो यहीं से हमारे पास वो बेसिक रिलेशन आता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट
इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम। नहीं समझ आया मैडम? समझा सर। तो इसको लिख दिया जाता है 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस मतलब नहीं हाँ समझ में हाँ आया। समझा समझा। अब ये पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब भी आप इक्वेशन देखेंगे, मैं काफ़ी लंबा रास्ता ले रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, वापस उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बट क्वेश्चन की हेल्प से सारे उसके आगे पीछे के सारे फंडे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो हमारी जो बेस इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो बेस इक्वेशन है वो बेस इक्वेशन है कि ये फोटोन जाके टकराएगा। जब ये फोटोन टकराएगा तो पहले तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक वर्क फंक्शन चाहिए, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो रोमियो की तरह निकलेगा भागेगा, उसकी उन सब इलेक्ट्रॉन्स में से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये होगी। मैं समझू नहीं समझ में आया? समझा सर। इसी से एक और रिलेशन ये निकलता है कि ये जो एच न्यू है जो इस इक्वेशन में हम यूज करने वाले हैं। अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ सॉरी इस क्वेश्चन पे दोबारा आ रहा हूँ। ये जो के ई मैक्स है इसको रोकने के लिए जो इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल निकाला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा ई वी नॉट। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये तो पोटेंशियल है जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यस बट एक चीज आपको जो समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि ये जो चल रहा है ये जूल में चल रहा है, ये जो चल रहा है ये भी जूल में चल रहा है, ये जो चल रहा है ये जूल में, ये जूल में, ये जूल में। तो अगर आपने यहाँ वोल्ट लगाया हुआ है तो वोल्ट के साथ में आपको कूलम लगाना पड़ेगा हाँ ताकि आप जूल की दुनिया में रहें। नहीं समझ में आया बेटा? समझा सर। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कंफ्यूजन आएगी बार बार, हम इसलिए काफी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप जैसे क्वेश्चन करने शुरू करेंगे वो कभी ना कभी कंफ्यूजन जरूर आएगी। तो अगर इक्वेशन लगी हुई है ये भाई ये तो समझ आया ना कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये सब तो पता है ना? हाँ सर। यस यस हाँ, कहीं मैं कैलकुलस की बातें कर रहा हूँ और आपका 2 + 3 इज इक्वल टू 7 बोल रहे हो आप। तो याद रखिए कि ये जो एच न्यू है, ये जो एच इनटू फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, तो ये इक्वेशन चल रही है जूल में। अगर आपने इसको हाँ लिखा एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट, ये फंक्शन बेटा चल रही है जूल में। बट अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक चतुराई करता हूँ और आप देखिए इसको समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। अब मैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को ई से डिवाइड कर देता हूँ। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। अब मैडम एक बात याद रखिए, जैसे ही आपने ई से डिवाइड किया बोथ साइड्स को, अब ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो चुकी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बेटा नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? समझा सर। अगर कंफ्यूजन आई दिमाग में, जो कि आएगी पक्का आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, ये जूल में, तो अगर जूल वाले आदमी को कूलम से डिवाइड कर दो जो कि आपने यहां किया, समझ आया? हाँ जूल वाले आदमी को अगर कूलम से डिवाइड करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है, या उससे बेटर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, हाँ, जूल वाले आदमी को अगर वोल्ट से डिवाइड करोगे तो आप किस दुनिया में आ जाओगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैडम नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? समझा सर। यहाँ तो क्लियर है तो मैं आगे चलूँ। हाँ सर क्लियर। ओके ठीक है।
बेसिकली हमें ज्ञान गणित से ये समझ आता है कि ये जो आप एनर्जी पर फोटोन है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वर्क फंक्शन में प्लस के ई ठीक मैक्स में, के ई मैक्स में। ये जो के ई मैक्स है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल है ई वी नॉट के। ये जो वी नॉट है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा, समझ आया। हाँ सर समझा। और जैसे अभी हमने डिस्कशन की कि अगर आप वोल्ट को कूलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जूल आ जाएगा बेटा, यहां तक समझ आया। हाँ सर तो एच न्यू अपॉन ई इज इक्वल टू डब्ल्यू ई अपॉन ई प्लस वी नॉट। वही समझ आया या दिमाग खराब हो रहा समझा सर। है? और यहां तक अगर समझ आ गया तो एक स्टेप सिर्फ और लीजिए। अब ये जो वी नॉट है इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख दीजिए एच न्यू अपॉन ई माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। इसमें तो यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर। ओके अब याद रखिए, अब देखिए आराम से देखिए, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारा वाई एक्सिस है। आपको समझ आया? हाँ सर अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी, जिस जो फोटोन उस पे टकरा रहा है, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो है हमारा एक्स एक्सिस। बेटा यहां तक समझ आया? यस तो ये है वाई और ये है एक्स। यहां तक समझ आया? हाँ सर अब देखिए मैं इसको मैनिपुलेट करके क्या लिखता हूं और उसको जरा बात को समझिए, नहीं समझ आया तो प्लीज रोकिए। अब मैं इसको फिर से ओके लिखता हूं, वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। वही समझ आया समझा सर। या कंफ्यूजन में दब चुके हो? यहां तक समझ आ गया? हाँ सर अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो किससे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप इसे कंपेयर करते हो हाँ तो वाई एक्सिस जो मैं आपको बता ही रहा था वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यस जो एम है वो स्लोप है विच विल बी इक्वल टू प्लैंक कॉन्स्टेंट अपॉन ई। जो एक्स है यस वो आपकी एक्स, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शाबाश, वो इंसिडेंटल फ्रीक्वेंसी है। जो भी लाइट जिस भी कलर का या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप उस पर शाइन कर रहे हो। अब ये जो सी है वो है ये वाला इंटरसेप्ट। बेटा समझ आया नहीं है? हाँ सर समझा। और ये जो इंटरसेप्ट है ये इक्वल है किसके, डब्ल्यू नॉट अपॉन ई के। नहीं समझ आया मैडम? हाँ समझा सकते। क्योंकि ये इक्वेशन बार बार हमें तंग करने वाली है तो शांति से एक बार फिर से देख लीजिए, यही इक्वेशन पे काफी क्वेश्चन होने वाला है। घूम फिर के सारे यूजुअली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं के बनते हैं। इसी इक्वेशन के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। जो भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का फोटॉन होगा उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा और साथ में उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी जीरो करना चाहते हैं तो ऐसा एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ से ई को डिवाइड कर लीजिए तो ये बन जाता है एच न्यू अपॉन ई इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपॉन ई प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल है,
एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस वर्क पोटेंशियल अपॉन ई। अब ये जो इक्वेशन आती है आपके पास, ये जो इक्वेशन आती है, इसको आप कंपेयर करते हैं किसके साथ, आपकी बस मान दो, 2 मिनट। ये है मेरा y, ये है मेरा m, ये है मेरा x, ये है मेरा c। तो v नॉट, ये y एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी ये x एक्सिस है, जो स्लोप है इसकी m वो h अपॉन e के इक्वल है, और ये जो इंटरसेप्ट है ये w नॉट अपॉन e के इक्वल है। इसमें तो यहां तक क्लियर है? यस सर। तो इतना सारा ज्ञान गणित करने के बाद, क्योंकि ये अब हम नेक्स्ट टाइम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इतना डिटेल में नहीं करेंगे, उसमें फिर डायरेक्टली जंप मार देंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, 4.12 × 10⁻¹⁵ वोल्ट सेकंड। मैडम समझ आ गया? हाँ सर समझा। तो स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये जो है ये m है, और m जो आपको समझ आ चुका है, जो आप पूरी इतने सारा ज्ञान इकट्ठा करके आपको ये समझ आ चुका है कि मेरी जो मेरा जो m है वो h बाई ई के इक्वल है। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी m दिया हुआ है आपको निकालना क्या है, आपको वैल्यू ऑफ द प्लैंक कॉन्स्टेंट निकालना। बेसिकली e की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है, वो आपको तो ये है इसका सॉल्यूशन 11.6 का, ये सॉल्यूशन। तो ये एच बाई ई जो है, ये गिवन जो मेरा 4.12 × 10⁻¹⁵ है उसके मैंने बराबर कर दिया। जब उसके बराबर कर दिया, ई की वैल्यू मैंने डाल दी 1.6 × 10⁻¹⁹, तो एच की वैल्यू जो है वो 4.12 × 10⁻¹⁹ × 1.6, तो इतने यूनिट्स मेरी एच की वैल्यू आ गई। बेटा बात समझ आएगी? यस सर। ये मैंने यूनिट्स लिखा है एग्जैक्ट, आपको पता है ई इज इक्वल टू एच न्यू है, तो एच का जो यूनिट है वो किसके इक्वल होगा, जूल पर सेकंड के, क्योंकि आप सारा एसआई यूनिट में ही काम कर रहे हैं। ये जो है ये जूल अपॉन सेकंड के इक्वल हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। तो हमारे लिए ये जो दो चीजें, देखिए प्लीज समझिए, दो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। एक तो ये समझना जरूरी है कि ये जो इक्वेशन जब ऐसी लिखी जाती है तो इसमें सारा जो काम धाम चल रहा है वो चल रहा है जूल में। आपको समझ आ गया? हाँ सर। और जब ये इक्वेशन अगर मैं डिवाइड बाय ई करके लिख देता हूँ, तो जैसे यहां पर ये जो वर्क फंक्शन चलेगा वो चलेगा जूल में, बट ये देखिए यहां पर मैंने जूल को किससे डिवाइड किया हुआ है, ई से। तो अब जो मेरा अगर मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ, तो ये जो वर्क फंक्शन आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बस मधु कोई डाउट तो नहीं है? चिंता मत कीजिए, इसके कुछ 7-8 न्यूमेरिकल करेंगे, कोई अगर आपका डाउट रह भी जाएगा तो तभी मेरा जो ज्यादा फोकस है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ ज्यादा फोकस है, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो जो यूनिट्स हैं वो कैसे मैनिपुलेट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें मैडम? यस।